ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਫੇਅਰਸ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਕਰੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ 3 ਮੰਥ ਸੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਝੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਉਸਕੇ ਸਕਸੈਸ ਕੋ ਲੇਕਰ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਮੂਵੀ ਥੀ ਔਰ ਜਲਦੀ ਹਮ ਲੋਗ ਸੈਲੂਨ ਲੇਕਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਜੋ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਪੇ ਹੈ ਔਰ ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੇ ਕੋ ਮੂਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਂ ਬੰਗੋਰੀ ਤੂਰੀ ਤੂਰੀ ਜਿਸਕੀ ਆਲਮੋਸਟ ਸ਼ੂਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਥ ਹੀ ਅੱਜ ਹਮਨੇ ਇੱਕ ਔਰ ਪੋਸਟਰ ਆਊਟ ਕੀਆ ਹੈ ਡੈਮ ਅਨਕੰਟਰੋਲੇਬਲ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੋਟ ਮੂਵੀ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਂਗੇ ਕਿ ਇਸਕੋ ਕਾਂਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ। 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਐਜ਼ ਆ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਫਸਟ ਮੂਵੀ ਕੀਤੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਫੇਅਰ ਸੀ, ਪਤਾ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਕੀ ਜਰਨੀ ਥੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਵੋ ਕਦਮ ਕਦਮ ਪੇ ਧੋਖਾ ਖਾਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਉਸਸੇ ਰਿਵੇਂਜ ਲੇਤੀ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਕਿ ਟਾਈਟਲ ਹੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਫੇਅਰ ਸੀ, ਪਤਾ ਇਸਕੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੀ ਹੈ ਅਫੇਅਰਸ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਪਤਾ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਕੀ ਲਾਈਫ ਮੇ ਮਾਂ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ ਵੋ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਮੇ ਇਨਕੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਮੈਨੇ ਅਭੀ ਦੋ ਪੋਸਟਰ ਲਾਂਚ ਕੀ ਹੈ ਮਾਂ ਬੰਗੋਰੀ ਤੂਰੀ ਤੂਰੀ, ਇੱਕ ਚੈਰਿਟੀ ਕੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਮੂਵੀ ਹੈ ਹਮਾਰੀ ਤੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਅਗਰਵਾਲ ਸਮਾਜ ਕੀ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੀ। ਬਹੁਤ ਕਮ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸਕੀ ਸ਼ੂਟ ਕੈਸੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਕਾ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਵੀ ਹੈ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਸਕੀ ਆਲਮੋਸਟ ਸ਼ੂਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੈਰਿਟੀ ਕੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਮੂਵੀ ਹੈ। ਮੈਨੇ ਇਹ ਅਨਾਊਂਸ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਥਾ ਕਿ ਇਸ ਮੂਵੀ ਸੇ ਜੋ ਵੀ ਰਿਟਰਨਸ ਹੋਗਾ ਵੋ ਵਹਾਂ ਕੀ ਸੜਕੋਂ ਮੇਂ ਵਹਾਂ ਕੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੋਂ ਕੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੇਂ ਜਾਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸਕੇ ਇਲਾਵਾ ਸਲੂਨ ਜੋ ਮੇਰੀ ਮੂਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਸਪੈਂਸ ਥ੍ਰਿਲਰ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਬ ਆਪ ਦੇਖੇਗੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਕੀ ਰੂਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਮ ਜਾਏਗੀ ਐਸਾ ਕੌਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਨ ਸਭ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਸੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮੁਝੇ 2 ਹੀ ਸਾਲ ਹੋਏ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੇਂ ਬਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰ ਜੋ ਮੁਝੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਹੈ ਉਸਕੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬੋਟਮ ਆਫ ਮਾਈ ਹਾਰਟ ਥੈਂਕ ਯੂ। मूवी की सक्सेस में इनका बहुत बड़ा हाथ है, पूरे मुंबई में सब होर्डिंग्स इन्होंने लगाए, सब प्राइम लोकेशन पर, कुछ भी चार्ज भी नहीं किया। अरे इनकी नहीं, जितने नए लोग हैं सबको दिल से लगाते हैं, उन सबके पोस्टर चिपकाते हैं, बताते हैं कि लोगों ने फिल्म बनाई है देखने जाओ। आपको बहुत बहुत बधाई, नए लोगों को बहुत साथ देते हैं। अच्छा इनका एक डायलॉग था क्राइम अफेयर्स में बड़ा ही बेहतरीन था जी, वही कैरेक्टर था कि मेहनत नहीं करना चाहता, तो ऐसा कुछ बताओ कि मुझे मेहनत नहीं करनी पड़े। तो हमारा एक कैरेक्टर आके उनको एक आइडिया देता है कि अब सुलभ शौचालय खोलो, लोग आएंगे मेहनत करेंगे पैसे भी दे रहे हैं। जन्मदिन की पेश करता हूँ, बहुत बहुत बधाई। नेहा बंसल ने मुझे अपने सेट से उठा के एक दिन ले गई, बोले एक फिल्म करना है। मैं तो समझा मजाक कर रही है, लेकिन उस फिल्म में फिर मुझे थोड़ा सा एक रोल दिया इन्होंने, कॉमेडी रोल। फिल्म का नाम है क्राइम अफेयर्स और बदलाव। मेरा ठीक ठीक था, लोग उसमें टेंशन में थे, तो मैं जहाँ जहाँ आता था लोगों को हंसाता था। तो इसके अभी 3 प्रोजेक्ट और हैं जो मैंने देखा, उसके लिए ऑल द बेस्ट मैं शुभकामनाएं देता हूँ। बड़ी धार्मिक फिल्म करके आई है, हरियाणा वालों का दिल जीत गया, चूँकि हरियाणा की छोरी छोरी है तो अपने ही प्रदेश में जाके सबका दिल जीत गया है। माँ बंगोरी उसके लिए कुलदेवी है, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। उसमें अनिल धवन जी, अवतार गिल जी ने काम किया और दोनों इस महफिल में शामिल हैं। तो इस सब के लिए मैं मेरी बहुत दिली तमन्ना है और दिली दुआएं हैं कि ये लड़की एक दिन बहुत बड़ी स्टार के साथ प्रोड्यूसर बने और नए लोगों को चांस दे, नए लोगों को पकड़ के आए इंडस्ट्री में जो मायूस हो गए उन लोगों को चांस दे। और अभी दिया है उन्होंने, बहुत से राइटर्स नए हैं, डायरेक्टर्स नए हैं, सबको चांस दे रही है, बस मेरी दिली दुआएं हैं। नेहा जी बहुत हार्ड वर्किंग गर्ल है और मैंने इनकी प्रगति देखी है, जब छोटे थे तभी मेरे ऑफिस में मिलने आए थे और मुझे बहुत खुशी है कि उनका बर्थडे का आज मैं हिस्सा हूँ। डेढ़ साल में उन्होंने 2-3 फिल्में बनाई है एज ए प्रोड्यूसर और एज एन एक्ट्रेस भी उन्होंने काम किया है, तो मुझे बड़ी खुशी होती कि वो मेरे दोस्त है और इतना से अपने काम को आगे बढ़ा रही है। और मेरी शुभकामनाएं आज मुझे बर्थडे के अवसर पर उनकी फिल्मों के उससे भी लॉन्च हुए और मैं समझता हूँ आगे चल के बहुत अच्छी अच्छी फिल्में एज एन एक्ट्रेस भी करेंगी, एज ए प्रोड्यूसर भी करेंगी, और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। आप जियो हजारों साल, आप जियो हजारों साल, ये तहे दिल से दुआ दे रहा है सुनील। सो
पिक्चर को जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद और पिक्चर का नया पोस्टर उसके लिए बहुत मुबारकबाद, जो नई पिक्चर लॉन्च कर रहा हूँ उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं गॉड ब्लेस सर, ऑल द बेस्ट। वाकई कमाल है, इतना अच्छा कमाल तो आज तक किसी ने किया नहीं, छोटे से अरसे में राजनीतिक फिल्में बना रही है, हीरो है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, इसके लिए मैं चाहता हूँ आप सब लोग सबसे बड़ी हिट शो ले जो आपको मिली थी, मैं कोशिश करूंगी कि उससे बड़ी हिट बॉलीवुड का एक दिन दे सकूं। अरे अगर लगन सच्ची हो तो परमात्मा साथ देगा। आप इससे बड़ी हिट सिस्टर हैं, आई एम ऑलवेज विद हर, ऑलवेज इन ऑल हर वेंचर्स एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर कि उन्होंने कैसे एक 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 करके आगे बढ़ रही है और अभी भी तीन फिल्म रेडी मतलब लॉन्च किया है एंड इट्स यू नो इट्स ऑलवेज कंबाइंड विद हर बर्थडे, सो इवन लास्ट टाइम भी यही हुआ था एंड आई एम रियली हैप्पी एंड वेरी प्राउड ऑफ यू एंड आई होप दैट यू डू रियली रियली गुड एंड दैट इज़ व्हाई इवन राहुल हैज कम हियर टू पे हिज बेस्ट विशेस। राहुल, वुड यू लाइक टू से समथिंग? हैप्पी बर्थडे फर्स्ट ऑफ ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट इन लाइफ एंड विश यू ऑल द सक्सेस। एक ऐसा सक्सेस पार्टी भी होगा काफी स्टार्ट करने के बाद आज नेहा बंसल के अच्छे मुकाम पर पहुंची है और उसमें बहुत बड़ा सपोर्ट रहा वीरेंद्र जी का, जो आज के में पंजाब केसरी जैसे बड़े पेपर के ब्यूरो चीफ हैं बॉम्बे से। जी, मेरा नाम निशिकांत दीक्षित है और आप हैं बनवारी लाल जोट, इन्हें किसी परिचय के मोहताज नहीं है और आप हमारे मित्र हैं और इस फिल्म के जो हैं हीरो हैं एक तरह से देखा जाए। आपने पूरा नाम बता भैया, धर्मेंद्र सिंह पता नहीं ना फिल्मी नाम धर्मेंद्र जी। बर्थडे में तो शुभकामनाएं हैं सर और भगवान करे अगले साल इससे भी बढ़िया, इससे भी अच्छी एक पार्टी और आप सब लोग एक बार फिर से सब लोग साथ। हमारी नेहा जी को बहुत शुभकामनाएं हैं कि जिस तरीके से वो दिन प्रतिदिन तरक्की कर रही हैं, पिछले एक साल में उन्होंने 3 मूवीज़ प्रोड्यूस की हैं और अभी जो उनका अपकमिंग प्रोजेक्ट है दी अनकंट्रोलेबल डिज़ायर शॉर्ट मूवी जो फेस्टिवल्स की तरफ जा रही है, तो जिस रास्ते से वो आगे बढ़ रही हैं हम चाहते हैं कि वो और आगे जाएं, ऑस्कर तक जाएं, लेकिन हम लोगों को ना भूलें, हम लोगों के साथ लेकर के जाएं और उनके साथ हम लोग हमेशा जुड़े रहें, यही हमारी शुभकामना। और नेहा बंसल जी जिन्होंने करिश्मा करके दिखाया है, छोटी उम्र में उन्होंने इतना बड़ा काम किया, मैं उन्हें बधाई देता हूँ। और इस फिल्म में मैं काम कर रहा था, निशिकांत जी ने जैसे लिखने में सहयोग किया और काम भी कर रहे हैं और अभी जैसे मैंने मालूम पड़ा किया है आधी कंप्लीट हुई आधी और बनी, तो उसमें एक करेक्टर है शायद नारद जी का जो मुझे कहा गया कि करने के लिए, तो शायद भी करूँ। तो मैं नेहा जी को एक बार फिर बधाई देता हूँ कि वो बधाई के पात्र हैं जिन्होंने एक साथ 3 फिल्में लॉन्च की और उसमें कम्प्लीट किया। आज बड़ा ही खुशी का दिन है, नेहा बंसल जी एक हिंदी सिनेमा जगत की उभरती अदाकारा है और कई फिल्में उनकी बनी है, सक्सेस हुई है, कई फिल्में बढ़ रही है, डायरेक्टर हमारे सामने खड़े हैं। नेहा बंसल जी का बर्थडे है, मैं थोड़ा देर से आया इसके लिए खेद है, क्या करेंगे, बनना ही है फास्ट यहाँ पे दौर है, तो सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद दूंगा, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ दूंगा, बधाई दूंगा कि वो तीन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें, आगे बढ़े, हजारों साल किए काम को आएँ, बस मैं यही कहना चाहूँगा। मैं मनीषा सिंह नेहा को दिल से शुभकामना देना चाहती हूँ, बस वो इसी तरह तरक्की करते हैं धीरे धीरे, उन्होंने इनकी ये थर्ड मूवी है, ऐसे मैं देख रहा हूँ 4-5 पोस्टर्स लगे हुए हैं, बहुत अच्छा काम कर रही है, एक साल एक मेरे देखते देखते एक 1.5 साल के अंदर बहुत उन्होंने आगे बहुत अच्छा काम कर रही है और मेरी बस यही काम है वो आगे अच्छे अच्छे काम करते रहे। उन्होंने जिस तरह से अपने बलबूते पर आज उन्होंने जो भी मुकाम बनाया है वो मतलब काबिल तारीफ है और जिस तरह से उनकी पहली मूवी को लोगों ने काफ़ी सराहा था, आशा करता हूँ उससे ज़्यादा लोग इस मूवी को भी सराहेंगे।